हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड आरके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार कॉल पर बात करते समय डाटा यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या होता था, मतलब बहुत से मोबाइल्स में होता है कि जब भी कॉल आ जाता है, आप किसी से इंपॉर्टेंट चैटिंग या फिर इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो नेट में, तो दूसरे सिम पे कॉल आते ही आपका डाटा बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे कि आपका कॉल भी आएगा और कॉल पर बात करते समय आप डाटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों कमेंट में कोई भी ऐसे अगर कोई मोबाइल के रिलेट में कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताएं, उसे हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मोबाइल की सेटिंग में जाना है। याद रहे दोस्तों, ये MI Note 5 Pro है, इसकी सेटिंग अलग है। दूसरी सेटिंग में भी आपको एकदम शॉर्टकट से बता दूंगा किस प्रकार कर सकते हैं। तो जैसे कि सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है, अदर जो मोबाइल है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर सर्च में आपने सिम कार्ड्स मैनेजर, ठीक है, सिम कार्ड मैनेजर यहाँ पर सर्च करना है तो आ जाएगा सिम कार्ड, या फिर कॉल सेटिंग में जाना है तो हम यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्किंग, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की डिटेल्स आ जाती है, आपके मोबाइल में कितने सिम है, यहाँ पर 2 सिम है, ठीक है। और भी सेटिंग्स आती है तो हमें बात करना है हमारे, जब भी आप नेट यूज करते हो, कॉल आ जाता है तो नेट बंद होता है उस बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक और ऑप्शन आ रहा है, यूज़ मोबाइल डाटा जब कॉल पर बात करते हैं तब, ठीक है। तो इस पर आप अगर इसको ऑफ कर दिया मैंने अभी, ये तो ऑफ हो गया, ठीक है, आपका भी ऑफ ही होगा, तो आप यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ऑन कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि जब भी आप डाटा यूज करेंगे और किसी का कॉल आ जाता है तो कॉल रिसीव करने के बाद भी आपका डाटा ऑन रहेगा, बंद नहीं होगा, ठीक है। ये हो गई दोस्तों इस प्रकार की ये सेटिंग है। तो दोस्तों, और दूसरा मोबाइल जो यूज करते हैं कोई वीवो, सैमसंग या फिर कोई और अदर कंपनी का, तो यहाँ पर सर्च में आपने सीधा सिम कार्ड सेटिंग सर्च करनी है, ठीक है, सिम कार्ड सेटिंग या फिर सिम कॉल सेटिंग यहाँ पर सर्च कर सकते हो। कॉल सेटिंग में भी ये वाला ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो में समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।